लेकिन पहले यह समझिए, कोरोना के बाद अब युद्ध से संकट में दुनिया की अर्थव्यवस्था, अमेरिका से चीन तक ग्लोबल मंदी की आशंका तेज। चीन की अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड बैंक की बहुत बड़ी वार्निंग, 30 साल में सबसे बड़ी मंदी की चपेट में आ सकता है ड्रैगन। कोरोना और जिनपिंग की नीतियों से चीन बर्बाद, वर्ल्ड बैंक ने कहा। कोरोना और जीरो कोविड इंप्लीमेंट करने की जिद जो है चीन की, पहले वायरस को लैब से बाहर जाने दिया और अब जिद ये कि कहीं कोई पेशेंट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई संक्रमित नहीं होना चाहिए, इसकी जो जिद है, इसको जो पहले से लड़खड़ाती चली आ रही चीन की अर्थव्यवस्था थी वो एक नई तरह की परेशानी में प्रवेश कर गई है। और उधर अमेरिका में बहुत बड़ा असर पड़ा है वॉर का भी। वर्ल्ड बैंक चेतावनी दे रहा है कि ये कोविड के बाद के सिनेरियो और उसके बाद ऊपर से ये युद्ध, इसने स्थितियों को इतना बुरा कर दिया है कि हर किसी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष असर पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जरा आप देख लीजिए, बड़ी इकोनॉमीज पर जब असर पड़ता है तो बड़ी इकोनॉमीज को हिलने में और वहां पर लोगों के जिंदगियों में असर दिखाई देने में वक्त लगता है, लेकिन छोटी इकोनॉमीज जो होते हैं, छोटे देश जो होते हैं, वो बहुत जल्द उनकी इकोनॉमीज का लड़खड़ाना, इकोनॉमी का वहां के पॉलिटिकल टर्मोइल में तब्दील हो जाना और वहां कुल मिलाकर एक बड़े संकट की निशानी बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। अब जरा यहां पर देखिए, अमेरिका महामंदी की चपेट में आ रहा है क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों पर उसको लगाम लगाना है। फेड रिजर्व, अब जाहिर है वहां का जो फेडरल बैंक है उसने कह दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को अब और इसमें ऐसा कर देंगे कि लोगों के पास लिक्विडिटी बचे नहीं। अगर ऐसा है तो यहां महामंदी आगे सामने है। और इधर देख लीजिए, चीन की यह जिद कि वो जीरो कोविड इंप्लीमेंट करेगा, ये एक नई तरह की परेशानी को पूरी दुनिया भर में पैदा कर रही है। और चीन आप जानते हैं सप्लाई चेन के हिसाब से, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, और यहां पर दूसरी कंपनियों का जाना और वहां से मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स को बाहर लाना, इस हिसाब से कितनी बड़ी निर्भरता चीन पर है। चीन की जिद ने और अमेरिका के की सोच ने कि अब इस तरीके से मंदी पर काबू पाया जाएगा, महंगाई पर काबू पाया जाएगा, माफ कीजिए, उससे मंदी की नई संभावनाएं, नए अंदेशे पैदा हो रहे हैं। और यहां देख लीजिए, जर्मनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोप की, ब्रिटेन लड़खड़ा रहा है, ये आपके सामने है, भारत उससे आगे निकल गया है बल्कि। और यहां देखिए, भारत भी कदरन ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स दूसरों से ठीक हैं, लेकिन ये भी असर में आए बगैर रहेगा नहीं। और अगर बड़ी इकोनॉमीज का ये हाल होने वाला है तो छोटी इकोनॉमीज दिखना शुरू तो हो गया है। पाकिस्तान की स्थितियां आप देख रहे हैं क्या है, आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या चल रहा है, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी के मुल्कों में क्या चल रहा है। जनरल दत्ता, वॉर के हिसाब से ये एनालिसिस भी किया जाता है क्या, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के संदर्भ में आप जानते हैं कंगाल हो गया, पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है, बांग्लादेश हालात बेहद खराब हैं, मालदीव भीषण कर्ज में है, लाओस कंगाली में है, घाना बर्बादी की कगार पर है, और ब्रिटेन में महंगाई की मार ऐसी है कि वहां आज जो हो रहा है वो इससे पहले लोगों की इस पीढ़ी को याद नहीं है कि उन्होंने कब देखा था इस तरह की त्रासदी, इस तरह की दुश्वारी। जंग इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, क्यों कि आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे मुल्कों में अगर ये जंग होती, वहीं तक महदूद होती, तो शायद इतना बड़ा असर नहीं होता। रशिया जैसी इकॉनमी, रशिया जैसी बड़ी कंट्री, और रशिया वो जिसके ऊपर बाकी की दुनिया एनर्जी के लिए इतनी डिपेंडेंट है, इस वजह से ये बड़ा असर आप देख रहे हैं। और छोटी, ये जो छोटे देश हैं, छोटी इकॉनमीज हैं, इन्होंने इसको इंडिकेट करना शुरू भी कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।